अब मैं एक ऐसी कवित्री को आपके सामने आमंत्रित कर रहा हूं, लखनऊ शहर की पूरी नजाकत और नफासत से सजी संवरी चेतना लेकर के जो हमारे मंच पर है, पूरे देश में जिन्होंने अपने गीतों की क्षमा जलाई है। लेकिन एक बात मुझे आज तक पता नहीं थी कि डॉक्टर सीता सागर, जिनको मैं लखनऊ की कवित्री समझता था, वे यहां अलीगंज आपके जनपद की पुत्री है। मैं उन्हें काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करने जा रहा हूं। ओजस्वी रचनाकार के पश्चात गीत की जो तरलता आप तक पहुंचे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एटा जनपद की इस पुत्री के लिए, इस देश की सम्मानित कवित्री के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए। डॉक्टर सीता सागर हमारे है। क्या महसूस करती हूँ अभी बैठ करके, कुछ पंक्तियां मेरे मन में आई हैं, वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। और घर में आई लाडली बिटिया को जितने प्यार से स्नेह से सुनते हैं, आप लोग उसी स्नेह से सुन लीजिएगा। तुम्हारे शहर से मेरा भी नाता कुछ पुराना है, तुम्हारे शहर से मेरा भी नाता कुछ पुराना है। मुझे तो खुद यहीं आना था, ये तो एक बहाना है। मुझे देकर जन्म इसने जिया, बचपन मेरा पूरा। मुझे देकर जन्म इसने जिया, बचपन मेरा पूरा। ये मेरी माँ का घर है और यही मेरा ठिकाना है। ये मेरी माँ का घर है और यही मेरा ठिकाना है। और एक गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, पूरे मन से लिखा है। कोई सैनिक सरहद पर शहीद हो या किसी आतंकवादी गतिविधि में शहीद हो, उससे कोई बहुत ज़्यादा उसमें कोई भी अंतर नहीं है। और अक्सर कर हमारे पुलिस वाले भाइयों को तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन संसद पर हुई कार्रवाई में उन्होंने देश की लाज रख ली। उन पांचों शहीदों को, संख्या ज्यादा या कम में हो सकता है मेरी भूल हो, उन सबको जो जो इस देश पर शहीद हुए हैं, उनके लिए मैंने गीत लिखा है। और शहीद होने वाला तो एक बार शहीद होता है, लेकिन उसके घर वालों की मन स्थिति बड़ी विचित्र होती है। अगर रोते हैं तो शहादत का अपमान होता है, और कोई अपना जब हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ जाए तो हंसा भी तो नहीं जा सकता। तो एक बात की मैं खास तौर से आप लोगों से दरखास्त करना चाहूंगी कि आप लोगों के दिलों में शहीदों के लिए, उनकी शहादत के लिए जितना प्रेम हो, जितना सम्मान हो, जितनी श्रद्धा हो, उसी प्रेम सम्मान और श्रद्धा से ये गीत सुन लीजिएगा तो मेरा गीत लिखना सार्थक हो जाएगा। एक ही गीत सुनाकर मैं अपनी जगह ले लूंगी। तुम्हें मेरे सा सा नमन, कह रहे अलविदा डुब डुबाए नयन। ओ शहीदों तुम्हें मेरे सा सा नमन। मिनट के लिए चाहूंगी आप लाइट ऑफ कर दीजिए और चला फिरी, बहुत छोटा सा गीत है, चला फिरी मत करिएगा। तो भाई की शहादत पर बहन क्या कहती है सुनिएगा। लाज राखी की भैया निभा कर गए, लाज राखी की भैया निभा कर गए। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि अभी अभी हमने गणतंत्र दिवस मनाया, शहीदों के लिए, उनकी शहादत के लिए इतनी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, वो हमारी सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं और आप लोग इस तरह की पत्तियां उछालते हैं। मेरा जनपद इतना निर्मम तो नहीं हो सकता, इतना नृशंस नहीं हो सकता है कि जहां शहादत के लिए लोगों के दिलों से इज्जत गायब हो जाए और इस तरह की पत्तियां उछाली जाए। मैं आप लोगों से दरखास्त करूंगी कि एक भी पत्ती इस तरह की नहीं आनी चाहिए। आप लोग अगर प्रेम से न सुन सके तो शांति से सुन लीजिए।
बहन क्या कहती है? लाज राखी की भैया निभा कर गए, हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए, हाथ क्या चीज है सर कटा कर गए, आखिरी सांस तक जूझते ही रहे, जान भी हंसते गवा कर गए, हर किसी को यही सीख देते रहे, हर किसी को यही सीख देते रहे, जिंदगी हो वतन मात भी हो वतन, ओ शहीदों तुम्हें मेरे सौ सौ नमन। और पत्नी अपने पति की शहादत पर क्या कहती है? सरहदों पर लहू जो था उनका गिरा, अब वही मा